अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, जो कि बहुत झटपट और बहुत मजे का बनेगा और बहुत कम इंग्रेडिएंट का आपको मैं बताना सिखाऊंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं बेसन डालूंगी 1 कप मैयर करके, लेवल करके। अब हमने बेसन को उतनी देर तक बिल्कुल लो आंच पे पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और ये देखें, अभी ये येलो येलो से इसका कलर सारा अच्छे से लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। तेज आंच आपने नहीं करनी, इससे क्या होगा बेसन आपका जल जाएगा और लेकिन उसके अंदर से कच्चापन नहीं जाएगा। चलिए जी, लो आंच पे हम इसको अच्छे से पका लेते हैं और साथ साथ आपने चम्मच हलाते रहना है, क्योंकि ये ना हो कि ऊपर से जो है कलर वही रहे लेकिन नीचे से ज़्यादा पकने से काला हो जाए, उससे बेसन में बहुत गंदी सी एक टेस्ट आ जाएगा। ये देखें, इसका देखें येलो से लाइट लाइट गोल्डन की तरफ ये कलर जा चुका है। तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको लो आंच पे बेसन को पकाते हुए। फिर इस स्टेज पे 10 मिनट बाद हमने इसके अंदर सूजी डालनी है, 1/3 कप सूजी डाल देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। अब बेसन को मजीद बिल्कुल लो आंच पे सूजी के साथ हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि सूजी का भी कच्चापन दूर हो जाए और उसकी एक अच्छी सी महक सी आ जाए। चम्मच आपने मुसलसल हलाते रहना है। ये देखें, हमारी सूजी और बेसन बहुत अच्छे से बुन चुके हैं और ये देखें इसका कलर पहले से चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन कलर की तरफ जा चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप आपने ऑयल डालना है, अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल है तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ऑयल डालने के बाद मजीद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि ऑयल का कच्चापन सारा अच्छे से खत्म हो जाए। ये देखें, बेसन और सूजी जो है ऑयल के साथ बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगी। चीनी हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1/3 कप से थोड़ा सा कम है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चीनी ज़्यादा खानी है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खानी है तो कम भी डाल सकते हैं। चलिए जी, हम इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे, चीनी के साथ बेसन को सूजी को, ताकि मुंह में, अगर आप इसको चाहते हैं कि दानेदार अगर हलवा बनाना है तो सूजी आप बिल्कुल एंड पे डालें, लेकिन मुझे इसका प्रॉपर हलवा बनाना है तो इस वजह से मैं ये डाल रही हूँ अभी से। चलिए जी, सूजी चीनी डाल के हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मजीद लो आंच पे पका लेंगे। अब ये देखिए, 5 मिनट मुझे हो गए हैं इसको मजीद पकाते हुए चीनी के साथ। अब मैं आपको दिखाती हुई जाऊँ कि ये मेरे पास दूध है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम, 1 टेबलस्पून कम है 1 कप से, और इसके अंदर मैंने येलो फूड कलर डाल दिया था 1 पिंच। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें येलो फूड कलर, वरना ये ऑप्शनल है। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद अगर आप सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो इसमें आप दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लें, या फिर आप नीम गर्म पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टेस्ट के लिए इसके अंदर दूध डाला है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लो आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद और पकाना है, ताकि हमारा सूजी हमारा जो हलवा है दानेदार बन जाए। चलिए, 10 मिनट के लिए मज़ीद लो आँच पर पका लेते हैं।
ये देखें हलवा हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम सब्ज इलायची का पाउडर डालेंगे। सब्ज इलायची पाउडर मेरे पास है तकरीबन हाफ टी स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखें सब्ज इलायची मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दी है, और 2 मिनट के लिए फिर आपने दम पे लगा देना ताकि सब्ज इलायची की अच्छी से इसमें खुशबू हो जाए। फिर उसके बाद आपने फाइनल लुक के साथ मैं इसको सर्व कर दूंगी। ये देखें बेसन का हलवा बनके हमारा रेडी हो गया है। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर शेयर करें, और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।